हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दीपक नाइट्राइड ये एक ऐसी कंपनी है जिसने शेयर होल्डर को दोस्तों बहुत पैसा कमा के दिया है। ठीक है, बहुत पैसा कमा के दिया है। अगर मैं बात करता हूं तो अभी भी यहाँ पर मौका है। ठीक है, देखिए दीपक नाइट्राइड का स्टॉक अभी किस प्राइस पर चल रहा है, 2036 रुपये पर। ठीक है, 52 वीक का हाई क्या है, 3020 रुपये, मतलब पूरे 1000 पॉइंट ये स्टॉक नीचे है। ठीक है, आज का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 2104 रुपये का स्टॉक का क्या था, प्रीवियस क्लोज था। ठीक है, मार्केट जैसा भागना चालू हुआ वैसे ही स्टॉक भी भागना चालू हुआ। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, आप देख सकते हैं 2104 रुपये पर ओपन हुआ, 2122 रुपये 90 पैसे का हाई लगाया और लो लगाया 2028 रुपये का। ठीक है, मतलब आज करीबन 3.5% तक ऑलमोस्ट इसमें गिरावट है। 5 दिन की मैं बात करता हूँ तो पूरी जो 2100 रुपये का इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ था, ठीक है, रिजेक्शन बना हुआ था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। 1 महीने में आप देख सकते हैं स्टॉक करीबन 16% तक रिकवरी कर चुका है मार्केट में। ये बहुत अच्छा फैक्टर सामने आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा सामने आ रहा है जिसके कारण दोस्तों दीपक नाइट्राइड के अंदर जो मोमेंटम है वो दिन पे दिन है ना अच्छी तरीके से कन्वर्ट होते जा रहा है। अब क्या इंपॉर्टेंट डाटा सामने आ रहा है, देखिए क्या हुआ था। अभी इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, ठीक है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ा। ठीक है, ये एक केमिकल कंपनी है, क्रूड ऑयल इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट में ये क्रूड ऑयल यूज़ करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल जब दोनों महंगे हो रहे थे, ठीक है, तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ठीक है, वो महंगा आ रहा था। ठीक है, पहले मान लीजिए वो 10 रुपये का आ रहा था तो वो अब 15 रुपये का आ रहा, जिसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने रेवेन्यू निकाला 25 रुपये, जहाँ कंपनी को दोस्तों रेवेन्यू बचना था 15 रुपये, वहाँ बच रहा मात्र 10 रुपये। क्यों? क्योंकि दोस्तों खर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, क्रूड ऑयल बढ़ चुका है। तो उसने क्या तरकीब अपनाई, उसने ये तरकीब अपनाई कि मेरा जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है क्यों ना मैं उसको 15 रुपये में बेच दूँ। ठीक है, तो मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो बराबर हो जाएगा। मैं पहले भी दोस्तों क्या करता था, 15 रुपये कमाता था, अभी मैं मेरे प्रोडक्ट का 5 रुपये दाम बढ़ा दूंगा तो अभी भी मैं 15 रुपये ही कमाऊंगा। ठीक है, तो इस रीज़न से दोस्तों कंपनियों ने क्या किया, आप एशियन पेंट को भी देख लो। ठीक है, एशियन पेंट ने भी अपने रेट हाइक कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, लेकिन अभी क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है, इन्फ्लेशन भी गिर रहा है, लेकिन कंपनियों ने क्या किया दोस्तों, चाहे आप दीपक नाइट्राइड की बात कर लो, चाहे आप एशियन पेंट की बात कर लो, इन्होंने दोस्तों अपने प्रोडक्ट के रेट नहीं घटाए हैं, रेट वहीं पर स्टेबल रखे हैं। ठीक है, और वो वहीं पर स्टेबल रहेंगे, तो इससे दोस्तों कंपनी को 2 गुना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कंपनी का इनपुट कॉस्ट फिर से 10 रुपये लगेगा। ठीक है, जहाँ कंपनी ने 5 रुपये बढ़ाया था अपना दाम, वो भी कंपनी को मिलेगा। ठीक है, मतलब कंपनी को पहले 15 रुपये बचता था प्रॉफिट में, अब 20 रुपये बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट का दाम 5 रुपये और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कंपनी का जो तरकीब है रेवेन्यू बढ़ाने का, वो सक्सेस होते देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी 8.5 देखने को मिल रहा है US का, इसको और नीचे आना है। ठीक है, इसको और नीचे आना है। क्रूड ऑयल लगभग $95 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, इसको भी और नीचे आना है। ये और जितना नीचे आएंगे कंपनियों का दोस्तों जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, हमारे देश का इंपोर्ट बिल कम होगा, जिससे हमारे देश को भी फायदा होगा। ठीक है, और इन कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ है दोस्तों दीपक नाइट्राइड के अंदर, जो दीपक नाइट्राइड को आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बड़ा आदमी बना सकती है, या इसके इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा आदमी बना सकती है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइड का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। ठीक है, ये देखिए डेली कैंडल लगाया हुआ है। अब दीपक नाइट्राइड दोस्तों अभी कहाँ पर अग्रेसिव है, 2200 रुपये के लेवल के तरफ अग्रेसिव है। तो 2200 रुपये का लेवल आप देख सकते हैं सपोर्ट 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 से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आके वो रिजेक्शन बना था, तब एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये एक इस प्रकार से रिवर्सल देखा था, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के कारण पहले ही आ चुका है। ठीक है, लेकिन रिकवरी आप देख सकते हैं, सपोर्ट 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 कहाँ से आई, वो आई 1800 रुपये के लेवल से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन था कि दीपक नाइट्राइड 2000 का लेवल भी नहीं ब्रेक कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशानी दीपक नाइट्राइट के वहाँ देखने को मिल रही थी। ठीक है, इसका एक फार्म था, ठीक है, एक प्लांट था जिसमें आग लग गई थी, जिसके कारण इसका काफ़ी रेवेन्यू भी गिरते देखने को मिला हमें Q1 के अंदर। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये प्रेशर में आ चुका था, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुए। लेकिन जो 1800 रुपये के आसपास ये ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसने समय 1800 रुपये के लेवल पर बिताए, वहीं से दोस्तों बायर ने सोचा कि अब हमें यहाँ से बाय करना चाहिए और बाय करा और स्टॉक को ऊपर लेके आ गए। अब ये गिरावट आ रही है, ये 2000 रुपये तक का सपोर्ट बना सकती है, देन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकती है। स्टॉक का अगर 2200 रुपये का लेवल बहुत जल्दी अगर ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है, तो डेफिनेटली दोस्तों फिर ये स्टॉक आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला, इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये है दीपक नाइट्राइट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस और एक पॉजिटिव अपडेट। ठीक है, चलिए सेकंड कंपनी को देखते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर का प्राइस है 173.50 रुपये। ठीक है, ये कंपनी क्या करने वाली थी, आज की डेट में बोर्ड मीटिंग करने वाली थी और अपने शेयर होल्डर को बोनस देने वाली थी, लेकिन कुछ उसके बोर्ड्स के जो मेंबर है वो अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसके कारण दोस्तों वो बोनस का जो मीटिंग था वो कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, लास्ट 5 दिन का जैसे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, करीबन 17-19% तक की तेजी हमें देखने को मिली। एक महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो 13-13.5% तक की तेजी देखने को मिली। ठीक है, और स्टॉक का 52 बिक का हाई 190 रुपये के आसपास का है। ठीक है, तो और ओवरऑल का परफॉर्मेंस अगर मैं देखता हूँ तो कंपनी करीबन 1000 का जो कंपनी का 1000% तक का यहाँ पर रिटर्न देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कंपनी मार्केट में काफ़ी पुरानी लिस्टेड है और कंपनी का नाम है भारत ग्रीस लिमिटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगी, भारत ग्रीस शेयर प्राइस 16% जब कंपनी ने अपडेट किया था कि हम इस दिन बोनस का अपडेट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब इसकी कंपनी की नेक्स्ट मीटिंग कम है, नेक्स्ट मीटिंग है कंपनी की 24 अगस्त को। ठीक है, इस डेट को दोस्तों कंपनी क्या करेगी, अपनी बोर्ड मीटिंग करेगी। ठीक है, और इस दिन हमें पता चलेगा कि कंपनी हाँ सही में बोनस दे रही है या नहीं दे रही है, तो दे रही है तो कितने रेशो पे दे रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता चलने वाली 24 अगस्त को, तो 24 अगस्त को हम एक बार फिर से हम आपको इस कंपनी से रिलेटेड अपडेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का हम टेक्निकल एनालिसिस करें, आज काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे शेयर होल्डर क्या है, घबरा चुके हैं, जिन्होंने अभी कनेड में पोजीशन बनाई है और पोजीशन बनाते ही उनको क्या देखने लगा है, लॉस देखने लगा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी ने जैसे ही दोस्तों ये लेवल को अपना सपोर्ट बना के रखा था, ठीक है, 7000 रुपये के लेवल को, तो स्टॉक क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, फेल हो रहा था, ऊपर जा रहा था, फेल हो रहा था, ऊपर जा रहा था, फेल हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर गया, फेल हुआ, लेकिन उसने 8000 रुपये का क्या लिया, रिजेक्शन लिया, 8000 रुपये का रिजेक्शन लिया, यहाँ पर भी लिया, लेकिन यहाँ पर नीचे ला दिया गया, यहाँ पर भी रिजेक्शन लिया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर गया। तो ये जो तेज़ी आई है दोस्तों लगभग इसमें 2000 पॉइंट की, ठीक है, या बोल सकते हैं 2500 पॉइंट की, ये दोस्तों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर सोचेगा कि यार मुझे पैसा मिल रहा है, मैंने 7000 रुपये के लेवल से ख़रीदा है, 5000 रुपये के लेवल से ख़रीदा है, तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अब ये सोचने वाले एक नहीं, ये सोचने वाले हज़ारों लोग होंगे। जब हज़ारों लोग एक बार में पैसा निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट से निकलेगा, इस स्टॉक से निकलेगा, जिसके कारण स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आप देख सकते हैं स्टॉक में किस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है, जितना बाइंग में वॉल्यूम नहीं था ना दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं उससे कई गुना कम दोस्तों हमें सेलिंग में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमारे लिए ये जो सेलिंग आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, स्टॉक को और कॉन्फिडेंस दे रही है। हम मान सकते हैं कि स्टॉक 10000 के लेवल तक भी आ सकता है या 9500 या 9000 के लेवल तक भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद यहाँ से जो सपोर्ट बनाएगा उसमें काफ़ी इसको दोस्तों क्या मिलेगी, तेज़ी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से और इन्वेस्टर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट बुक कर रहा है ना वो भी यहाँ से बाय करने की इसमें सोचेगा। ठीक है, क्योंकि ये तेज़ी आई है ना, ये तेज़ी को दोस्तों क्या करेगा, सामने वाला व्यक्ति प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, छोटे शेयर पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जिसके कारण। चलिए मैं एक दोस्तों इमेज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक इमेज आपको बताता हूँ, आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अप स्टॉक का दोस्तों क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर हमारे एक मेंबर है, ठीक है, जो हमसे कुछ पूछते रहते हैं कि सर क्या शेयर खरीदूँ क्या,
तो ऐसे ही कुछ उन्होंने शेयर हमसे पूछा था कि सर बता दीजिए मैं कौन सा शेयर खरीदूँ। हमने बोला टाटा एलेक्सी खरीद लीजिए। उन्होंने ख़रीदा था 5,261 रुपये से, ठीक है, कितने शेयर, मात्र 8 शेयर, ठीक है। जब उनका इन्वेस्टमेंट हुआ था 42,000 रुपये के आसपास, आज वही दोस्तों क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट उनका 81,000 के करीब बन चुका है, क्योंकि शेयर का प्राइस 2 गुना हो चुका है। 8 शेयर के अंदर अंदर लगभग उनको 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 रुपये का, आप देख सकते हैं 8 शेयर के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इन कंपनियों का रिटर्न। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रॉफिट बुक करने की सोच सकता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 40,000, 8 शेयर पे 40,000, मतलब दोस्तों सीधा सीधा पैसा डबल हो चुका है, तो क्यों ना कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। अब बड़ी बड़ी क्वांटिटी भी होगी बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, वो भी प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 9,500 के लेवल तक या 9,000 के लेवल तक, उस बीच में आपको उस गिरावट का फ़ायदा उठाना है, ठीक है, ना कि डरना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच और समझ के चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एक धमाकेदार अपडेट हमने दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसे बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।